नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, नदौली करौंदी में कोटे की दुकान के चुनाव को लेकर प्रधान व समूह की महिलाओं में नोकझोंक। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज चौकी तिलाफ अंतर्गत ग्राम नदौली करौंदी में कोटे की दुकान को लेकर चुनाव होना था, लेकिन ग्राम प्रधान व समूह के महिलाओं के बीच विवाद होने के कारण चुनाव नहीं हो पाया। वहां पर उपस्थित सरोजमणि व ममता व कमलेश दुबे से जानकारी प्राप्त हुआ कि दिनांक 24 जून 2022 को कोटे की दुकान का चुनाव होगा और समूह की महिलाओं द्वारा वोट डाला जाएगा, लेकिन मौके पर पहुंचने पर ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि केवल ब्राह्मण ही वोट डालेंगे क्योंकि CW5 के तहत चुनाव होगा। इस बात को लेकर समूह की महिलाओं और ग्राम प्रधान राजकरण पटेल के बीच नोकझोंक, गाली गलौज होने लगा। माहौल को बिगड़ते देखकर चुनाव रद्द कर दिया गया। माहौल बिगड़ते देखकर इस मौके पर चौकी इंचार्ज तिलाव व SO लालगंज मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया गया, लेकिन ग्राम प्रधान से जानकारी प्राप्त हुआ कि मैं वहां पर सिर्फ अपने दोनों लड़कों की कसम खाई है, किसी को गाली नहीं दिया है। इस मौके पर काफ़ी मात्रा भीड़ इकट्ठा थी, जैसे सीता देवी, रमकलियाँ, रीता देवी, बिटोला, इंदावती, सुनीता, चमेला देवी, सीमा सिंह, जगराजी, सोनिया, अनीता देवी इत्यादि महिलाएं उपस्थित थीं। क्या प्रधान जी को आप लोग मारने के लिए तैयार थे क्या? प्रधान जी को आप लोग मारने के लिए तैयार थे? नहीं, तो कैसे आप लोग को गाली दे दिए? एक आदमी, हाँ बोलिए, मालिक है सर, तो बैठे हैं, तो क्या गाली दे रहे हैं प्रधान जी? हाँ हेलो, विनोद तिवारी से बात कर रहे थे। विनोद तिवारी है, कौन है? महिला को अध्यक्ष है। आप सब समूह, आप भी समूह में काम करती हैं? आपका नाम क्या है? फिर हम ब्लॉक पे जाएंगे, तुम ये ग्राम पंचायत है ना, दौली करोगे? हो गया, ये हम प्रधान जी जो बोला था ना, झूठ बोला था, बिल्कुल झूठ बोला था, सरासर झूठ बोला था। आपका नाम क्या है? प्रकाश सिंह नाम है। बात जो भी कर रहे थे वो विनोद तिवारी लोगों के अधिकारी हैं, समूह के अधिकारी हैं, ये लोग अपने अधिकारी से बात कर रहे। आप आराम से, आपका नाम क्या बताया है? ओम प्रकाश सिंह। घर कहाँ है आपका? घर हमारा यही बगल में जी। प्रधान जी आप क्या लगते हैं? हमारे बड़े पिताजी हैं। अच्छा, और गाली किसको प्रधान जी ने दी? पूरे समूह वालों को दी। अच्छा, क्यों, किस बेसिक पे गाली उन्होंने दी? महिलाएं वहाँ पे, किस 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 कारण पे उन्होंने गाली दिया, कुछ कारण होगा? आज वही तो बताए ना, अभी कोटे का चुनाव था। कोटे के चुनाव के संबंध में लोगों को जो भ्रांतियाँ थी उसके लिए अपने कोटा का जो चुनाव था, क्या लीगल हो रहा था क्या अनलीगल हो रहा था? इनलीगल हो रहा था। अनलीगल हो रहा था, इनलीगल हो रहा था। उससे आपको इससे पहले जानकारी नहीं थी लीगल हो रहा थी? कोटा हो रहा था, कोटा हो रहा है, 24 तारीख को होना था, पूरे ग्राम सभा को पता था, लेकिन सिर्फ इतना नहीं क्लियर था कि EWS वाले वहीं लड़ सकते हैं कि बाकी सभी लोग। अगर सभी को पता होता तो अदर कास्ट वाले क्यों लड़ते, क्यों अपना 4 दिन 5 दिन से प्रचार कर रहे थे? हम वो नहीं करते। इसके अलावा प्रधान जी से बात महिलाएं नहीं कर रही थी, बात कर रही थी। लेकिन 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 पत्रकार की सप्लाई इंस्पेक्टर अजय मिश्रा से बात होने पर पता चला कि EWS जिसका बना होगा वही चुनाव लड़ सकता है। किसी को इससे दिक्कत नहीं है, जो भी आगे चुनाव होगा 1 तारीख को जो होना है उस चुनाव में EWS वाले ही लड़ेंगे, क्योंकि इसमें जबरी नहीं है, जो अधिकारी कहेंगे उसी का पालन पूरे ग्राम सभा करेगा। लेकिन आधी अधूरी जानकारी देकर के लोगों को भ्रमित करना ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा जो भी अधिकारी महिलाएं बात कर रही थी अपने अधिकारी समूह अधिकारी विनोद तिवारी से बात कर रही थी, लेकिन उसमें प्रधान जी को गाली नहीं देना चाहिए था, ये गलत चीज है। गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, गांव के मुखिया हैं। जी जी, सम्मानित व्यक्ति हैं, गांव के प्रथम नागरिक हैं, गांव के प्रधान यानी गांव के प्रथम नागरिक हैं, उनको ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। किस अभद्र से व्यवहार से गाली उन्होंने दिया? आपका नाम क्या है? सरोज। ये कौन सा गांव है? करौंदी। क्या मैटर है यहाँ पे, क्यों जनता क्या समस्या है? मैटर है कि महिला समूह के जरिए से वोट कर जी, तो ये कहे की समूह का महिला वोट करेगी जी, तो यही पर तब आज से भीड़ लगी है, तब पलट गए हुआ। कोटा का चुनाव हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ, नहीं हुआ।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता जी है। क्या हुआ, क्या मैटर है? क्या समस्या है? सारा ये हुआ था कि 24 तारीख को समूह द्वारा कोटा का चुनाव होगा, समूह की सारी महिलाएं कोटा में वोट देंगे। जी तो क्या हुआ यार? तो सारा आज यहाँ पे जब सभी महिला उपस्थित हुए वोट देने के लिए, तो ये हुआ कि आज ब्राह्मण आज बदला गया कि ब्राह्मणों के लिए टीडब्ल्यूएस के लिए कोई महिला सपोर्ट नहीं की सर। जी जो ये बात थी तो उसी दिन जिस दिन दुग्गी प्रधान द्वारा पीटी गई थी उसी दिन वोट देना चाहिए। जी और आज वोट देने का समय आया था, आज क्यों बोल रहे हैं कि आज ब्राह्मणों के लिए आया है? तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सर गरीबों के लिए आया तो गरीब ही लड़े, आज ब्राह्मण नहीं लड़े। नहीं चाहे कोई भी लड़े लेकिन गरीब। तो इस चुनाव संबंधित चुनाव क्यों रुक गया कोटा का? सर वही प्रधान जी गाली दे दिए महिलाओं को। तो किसको गाली दे दिए? सभी महिलाओं, जितनी महिला। क्यों गाली दे दिए? क्यों गाली दी का सवाल उठा होगा। उस दिन नहीं चिपका गया था, आज पोस्टर चिपकाया गया, इसीलिए महिला सब चिल्ला रही थी, इसलिए प्रधान जी गाली दे दिए। प्रधान जी का नाम बताइए। जोर से बोलिए दीदी। प्रधान जी का नाम बताइए। किस गांव के प्रधान हैं? थानाध्यक्ष महोदय को हमारा ये पत्र हम लोग उसके लिए ही थानाध्यक्ष महोदय के सामने गाली के संबंध में ये पत्र दे रहे हैं। जी जी जी। और यहाँ पे जो कि समूह के किस बेसिक पे चुनाव रखा गया था? किस बेसिक पे चुनाव रखा गया? चुनाव जो रखा गया था वो तो AWS पे था। EWS में कौन कौन चुनाव लड़ सकते? इसमें ब्राह्मण जाति के वर्ग के जाति चुनाव लड़ सकते। कितने तारीख को पता चला कि ये पता चला? हम लोगों को 20 तारीख को। इससे पहले नहीं? जी इसके पहले था, लेकिन कोई जो है तहसील पे नहीं गया, ब्लॉक पे नहीं गया। आज जो ब्लॉक जाता है उसको मालूम होता है इसका पता है। कौन से मामला को लेके मामला इसके कारण से जिया यहाँ पे झगड़ा हुआ? क्योंकि जितनी महिलाएं थी वो जो अध्यक्ष महिलाएं मारना चाहती थी इसलिए प्रधान साहब वहाँ पे बैठे थे सामने, उन्होंने बोल दिया। क्या बोले प्रधान जी? क्या बोले प्रधान जी ने? जो भी कहा। क्या कहा बताइए? ये भी कहा कि मैं अपने दोनों बच्चों का कोष्ट खाता हूँ, मेरा बच्चे जो दो हैं दोनों उखड़ जाए, इससे मर जाए। और थोड़ा बहुत गाली भी दे दिए। अच्छा प्रधान जी का नाम क्या है? राजकुमार पटेल। कौन सा ग्राम सभा है? नदौली करौंदी। कहाँ थाना कौन सा आता है? लालगंज। चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम? राजकरण पटेल। आप कौन से पद पे हैं? प्रधान हैं ग्राम प्रधान। किस ग्राम सभा? किस ग्राम सभा से? नदौली करौंदी। आज यहाँ पे किस मैटर से लेके विवाद यहाँ पे आज जनता उमड़ी हुई है, विवाद हुआ है, किस संबंध में हुआ है? देखिए यहाँ कोटे का चुनाव था। अच्छा कोटे का चुनाव था? कोटे का चुनाव था। अब उसमें मतलब कि एक कालम संख्या 6 पर जी उसमें ऐसा लिखा था कि समूह की ही महिला वोटिंग करेंगी और समूह की महिला का ही चयन होगा जी, ऐसा था जी। और एक कालम और नीचे था तो वहाँ लिखा गया था कि EWS ना जी, EWS के तहत चुनाव होगा दिनांक फला फला को जी, और उन्हीं को वोट दी जाएगी। लेकिन लेकिन सर ये बताइए आप प्रधान जी, आप ग्राम सभा के प्रधान हैं, सारी जनता यह कह रही है कि आपने गाली गलौज दिया और इसके बाद लोग बाइट ये दे रहे हैं कि हमें अभद्र की गाली दी है। इसमें नहीं थी बात, ये थी उसमें कि वो लोग वहाँ मतलब यही EWS को लेकर के जी मतलब वहाँ मतलब जब जो अधिकारी बैठे थे DYSB थे जी, विनोद तिवारी थे सेक्रेटरी थे और तमाम लोग बैठे थे जी, वहाँ ये लोग चढ़ गए कि मतलब हम लोग इस तरह से जैसे तैयारी किए सभी लोग लड़ने के लिए, जैसे जो चाहे हरिजन हो चाहे सामान्य का हो, तो आपने बताया नहीं। तो वहाँ चस्पा था, 17 तारीख को चस्पा था। वो औरत कह रही थी कि नहीं आज चस्पा हुआ है जी, तब माने ही में वहाँ काफ़ी नोक झोंक होती है जी। तब हम उठ के अपने कुर्सी से वहाँ गए जी, हम कहा देखा तू बचे रोज यहाँ समूह को बैठक करत रहे, अब यहाँ चस्पा रहा, बल्कि कल भी बैठक करे, यहाँ इतना माटी जमा हो गई रहे हम आज ओके धुआवा धुलावा है हाँ, और तू बचे एक ना ही पढ़त रहे। हम कहा यार आज ना ही हम एक चस्पा करा, हम 17 तारीख के चस्पा करा, बल्कि हमारा थोड़ा आक्रोश भ आक्रोश में हम कहा हमारे दूठे लड़का है उखड़ जाए यदि हम आज चस्पा करे हुए। लेकिन सर लेकिन लेकिन सर ये बताएं, आप एप्लीकेशन में लिखा है कि बुजरी या वो उस तरह से आप गाली ने जैसे लगा है विपक्षी जी, लगा है जिसे गांव में सत्ता पक्ष विपक्ष हुआ जी 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 ना जी। अब कोटे के लिए क्या कई लोग हैं मैदान में, तब वो कुछ भी कह सकती
वहाँ तमाम अधिकारी तमाम ना जनता बैठी। लेकिन सर आप ये बताएं कि आप रियल बताएं कि आपने गाली दिया कि नहीं दिया? नहीं, गाली नहीं दिया, बल्कि हमने अपने लड़कों की बलि दिया। जी जी बिल्कुल, हमने अपने लड़कों की यहाँ बलि दिया कि यदि हम असत्य हैं तो दोनों खत्म हो जाए। जी चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। पहले नाम बताइए अपना। अपना नाम पंडित कमलेश दुबे। जी कहाँ के रहने वाले हैं? नदौली करंदी का। बताइए मैटर क्या है? मैटर ये है कि हमारे गांव में कोटा का चुनाव रखा गया अज्ञात रूप में। गांव की पूरी जनता को पता था कि समूह की महिलाएं ही वोट डालेंगी। आज 24 तारीख को जब वोटिंग का समय आया तो ये हुआ कि ब्राह्मण समाज के लोग वोट डालेंगे। वो महिलाएं आई यहाँ समूह पर वोट डालने। जब वोट डालने आई तो उनको मालूम हुआ कि हम लोग वोट नहीं, आया पूरे गाँव का वोटिंग यहाँ होगा। तो वो अपने अधिकारी जो समूह के अध्यक्ष हैं उनसे मिल के वो अपनी समस्या जताने लगी। इस पर गाली दी गई उनको, ग्राम सभा के प्रधान श्री राजकरण सिंह पटेल जी और उनको गाली दी। प्रशासन के सामने हमारे गांव की महिलाओं का अपमान हमारे प्रशासन के सामने किया गया। ऐसा क्यों किया गया? आरगो सर के सामने किया गया, ऐसा क्यों किया गया? हम इसी का जवाब चाहते हैं मीडिया वालों से और अपने भारत की सरकार से कि हमारे ये दुर्गा काली है, ये मातृशक्ति है, हमारे मातृशक्ति का घोर अपमान दिया, इसका जवाब चाहिए। जय हिंद जय भारत।